आज हम आपको नोवा सिटी के बारे में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अवैस खटक है, मेरा ताल्लुक मकान सॉल्यूशन से है। इस वक्त मैं नोवा सिटी की लोकेशन पे मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त साद बिन खालिद और तौसीफ अजीज। आज हम आपको नोवा सिटी के बारे में बताएंगे। स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये श्रीनगर हाईवे है, कश्मीर हाईवे जिसका पुराना नाम था। अभी हम जा रहे हैं नोवा सिटी की जानेब और आप देख सकते हैं ट्रैफिक आज ज्यादा है। वैसे इतनी नॉर्मली श्रीनगर हाईवे पे ज्यादा नहीं होती है, काफी फ्लूइड ट्रैफिक होती है यहाँ पे, आसानी से एक्सेस मिल जाती है आपको। बाकी अभी आपको हम लेके चलते हैं नोवा सिटी, वहाँ पे जाके हम आपको मज़ीद डिटेल देंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे राइट साइड पे G13 आता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये लेफ्ट हैंड देख सकते हैं, यहाँ से आप अगर लेफ्ट होते हैं तो आपके आगे आता है CDA सेक्टर, I-14/15, ताज रेजिडेंशिया, उसके अलावा कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपका आता है, ठीक है। इसको आपने लेफ्ट हैंड भी लेना है, आपने सीधा जाना है आगे, आपको आगे नोवा की तरफ ये लेके चलेगा। आप देख सकते हैं 4-lane हाईवे आपकी, इस पर आप सीधा जाएंगे, बहुत ईजी एक्सेस है। आपके लेफ्ट साइड पे 18 सोसाइटी आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट जा रहा है इस वक्त। इसके अलावा आपके राइट साइड पे आके मुमताज सिटी है और उसके बाद आपने राइट टर्न हो जाना है, जो कि M1 पे आपको पहुँचा देगा। M1 मोटरवे के थ्रू आप आगे नोवा सिटी को एक्सेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने आपके लेफ्ट साइड एक रोड जा रही है, ये आपको M2 मोटरवे पे ले जाएगी, लेकिन आपने इधर से राइट हो जाना है। राइट होके आप आ जाएंगे M1 मोटरवे पे, जो आपको सीधा लेके जाएगी नोवा सिटी की तरफ। ये आप देख सकते हैं बुरहान पेशावर, इसके आगे से आपने राइट हो जाना है। यहाँ पे आपने लेफ्ट नहीं होना है, ये आप साइन बोर्ड्स देख सकते हैं, एयरपोर्ट वाली रोड है एक जा रही है, आपने यहाँ से राइट हो जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने लेफ्ट नहीं होना, राइट होके सीधा आपने आगे चलते जाना है। मौजूद हूँ ग्रीन बेल्ट पे टॉप सिटी के, ये जो मेरा लेफ्ट साइड है इधर मुमताज सिटी है, लेकिन श्रीनगर हाईवे से अगर आप देखें ना राइट साइड पे, तो राइट साइड पे मुमताज सिटी आता है और लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी आता है। ये जो है ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये टॉप सिटी ग्रीन बेल्ट है और नोवा सिटी का जो है एक रूट यहाँ से भी होकर जाता है। ये आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, वहाँ से आप जब राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से आप जब राइट टर्न करोगे अंडर पास से आप मुमताज सिटी के होकर जाओगे नोवा सिटी। अच्छा जी, तो ये अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये टॉप सिटी है हमारे सामने और इसके राइट साइड से हम टर्न करेंगे और अंडरपास से होके जो है हम नोवा की तरफ जाएंगे। ये जी वो अंडरपास जिसकी मैं अब बात कर रहा था, इसके नीचे से हम होके जा रहे हैं। ये आ गया जी आपका ममता, इनके कमर्शियल्स हैं, स्टार्ट में इनके कमर्शियल तैयार है सारे। ये मेन बुलेवार्ड है, ताज सिटी बस ये एंड होने वाला है। मैं अभी मौजूद हूँ, ये मेरे सामने सर है, ये मेन गेट है ताज सिटी का और एयरपोर्ट का। यहाँ से हम होके आए हैं, जो आगे है ममताज सिटी है, ठीक है। मेन चीज़ आपको जो दिखानी है वो ये रोड दिखानी थी, ये जो पैच है ममताज सिटी और ये खुदादाद सिटी से, जैसे आप बाहर आते हैं ये जो पैच है, ये पहले जब मैं आया था ये सारा ख़राब था, अब इस पर काम हो रहा है और ये एक प्लस पॉइंट है नोवा सिटी के लिए। वो ये कि ममताज सिटी से आप होके जो है इस पैच से, एक ये पैच जो ख़राब था, इससे जैसे ही आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह फतेह जंग रोड पर, तो वहाँ से ये है कि रास्ता जो है नोवा सिटी का जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। पहले ये जो पैच था इसकी वजह से बड़ी दुशारी होती थी, यहाँ रश भी था काफ़ी, उसको बड़े मसले निकाली थे, लेकिन अभी जो है ये दुकान है, उम्मीद है जल्दी बन जाए। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट पॉइंट है नोवा सिटी में, नोवा सिटी के लिए, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं नोवा सिटी का साइन बोर्ड लगा हुआ है, राइट साइड पे जो है ये रोड फतेह जंग रोड है और ये जाती है तरनूल, ठीक है। ये अभी हम फतेह जंग रोड पे आ गए, यहाँ से डिस्टेंस भी काउंट करते हैं कितना बनता है नोवा सिटी का। पीछे श्रीनगर हाईवे है, वो तो डिस्टेंस हमने काउंट कर लिया, ठीक है। ये एक रेलवे फाटक है, इसको क्रॉस करते हैं, सामने हमारे
फिजाइया हाउसिंग स्कीम है, तो ये है फतेह जंग रोड, इस पर हम चढ़ गए। ठीक है, आगे सी पैक से जो है ना, और इसको तय करने में भी जो है ना इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 1 घंटे लगते हैं आपको। तो ये है सी पैक का रूट, नीचे आप देख सकते हैं, तो ये सी पैक का रूट है, ये नीचे से होकर रास्ता जाता है, वो आप सामने दिख रहे हैं ज़रा, ये सामने जो है राइट साइड पे हमारे, यहाँ से हम नीचे जाएंगे सही है, और इस साइड स्ट्रेट जाएंगे राइट साइड पे, तो आगे जो है नवा सिटी आ रहा है। तो मैं हकला डी एफ आन मोटर पे खड़ा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सी साइड मोटी है, और इसको डी एफ आन हकला मोटर में कहता हूँ। बिल्कुल आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं नोवा सिटी है, आप यहाँ से आपको कम्प्लीट व्यू नज़र आएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल एडजेसेंट है आपकी, तो आप इसे देख सकते हैं खराब डेवलपमेंट हो रही है, जा रहे हैं तो आप व्यू देख सकते हैं। इसी के बैक साइड पे आपका इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वाक़ है, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन इसको बना देता है। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये भी एक नकला, इसके अलावा ये सी पैक रूट है, ठीक है, और मेरे बिल्कुल सामने आप मेन गेट है, देख सकते हैं बिल्कुल ये आने वाले दिनों में नए फ्यूचर में ये इसी सी पैक रूट भी अपने एक इंटरचेंज बनाएंगे, जो कि इसके बहुत प्राइम लोकेशन देगा और इसकी बहुत एक्सेस हो जाएगी सी पैक रूट से, जो कि जो भी लोग आना चाहते हैं पेशावर के पीछे वाली साइड से आना चाहते हैं या इस्लामाबाद से भी जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी एक्सेस हो जाएगी और उनका जो यहाँ पर आना है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसकी स्ट्रीट लाइट्स देख लें आप, इसके अलावा इसकी रोड पर लेंथ देख लें, बहुत शानदार किस्म का काम हुआ, मेन बुलेवार्ड है ये आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपको हम आगे जाके मजीद स्ट्रीट्स दिखाते हैं इसकी, और के जो जो सी एम अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बीच में, चाहे वो कमर्शियल्स हैं, रेजिडेंशल्स हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं इनके, उनके हवाले से भी आपको डिटेल से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नोवा सिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी लैंड है, और इसकी लैंड इसको बाकी तमाम सोसाइटी से मुख्तलिफ कैसे बनाती है, इसकी लैंड जो है वो मोस्टली लेवल लैंड है, और इसमें मोस्टली कटिंग का फेज़ है, और कटिंग का फेज़ और इस तरह की जो लैंड होती है वो क्यों फ़ायदेमंद होती है ये आपको बताएंगे साथ भाई। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो लैंड आपकी फिलिंग में आ रही होती है उसमें ये होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको पाइल फाउंडेशन के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और जो लैंड कटिंग में हो या लेवल लैंड हो उसमें आपकी ये जो पाइलिंग कॉस्ट होती है या आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन कॉस्ट होती है ये मिनिमाइज हो जाती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप लेवल लैंड के ऊपर एक अच्छी सोसाइटी आप बना के दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसा आपको साथ भाई ने समझाया कि ये जो लैंड है नोवा सिटी की वो मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन है, यही वजह है कि जब आप टोटल पेमेंट प्लान देखते हो नोवा सिटी का तो उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी शामिल हैं, बहुत बाकी जो सोसाइटीज़ हैं वो अलग से चार्ज करती हैं, जो पेमेंट प्लान टोटल होता है उसके अलावा जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी जो हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह नोवा सिटी का जो पेमेंट प्लान है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि ये जो लैंड है वो टोटली जो है प्लेन है, मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन है, तो उसमें डिवेलपमेंट चार्जेस का एज सच कोई सीन नहीं है। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, कारपेटेड है ये सारा, तो बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें इस तरह का ना फुटबॉल कोर्ट खेलने की कोई जगह नहीं होती, वो हमेशा लालच करते हैं कि बस जो चीज़ ग्राउंड वगैरह बनानी है या इस तरह का कोई ब्लॉक स्पॉट वाला लॉन्च करना है उससे बेहतर है कि उसको एक कमर्शियल साइट बना दिया जाए या कोई रेजिडेंशियल साइट बना के ना उसमें प्लॉटिंग की जाए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इसमें ई स्पोर्ट्स ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया है जिसका पेमेंट प्लान मैं स्क्रीन में शो करवा दूंगा, तो ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने प्लस का बनाया है, और मैं खुद एक फुटबॉल का शौकीन हूँ, मुझे इस तरह की साइट जो है बड़ी पसंद आती है, और इस तरह का फुटबॉल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, हमें वहाँ जाके बुकिंग्स करानी पड़ती हैं जिसके अच्छे खासे वो फीस चार्ज करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ के जितने भी लोग होंगे रेजिडेंशल होंगे मसलन जो रिहाइश यहाँ रिहाइश पजीर होंगे उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। बच्चों के लिए इन्होंने बैक साइड पर ग्राउंड बनाया हुआ है, ये जो मेरे बैक साइड पे है फुटबॉल के बैक साइड पे इन्होंने बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे जो है ये टेनिस बॉल का जो है कोर्ट है, और ये फुटबॉल का है, फुटबॉल वैसे भी हमें बड़ी पसंद है तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं और यहीं से ही वीडियो शूट करें। आप जो है इनको
ये दिखा सकते हैं सारी साइड। ये बिल्कुल फुटबॉल ग्राउंड के साथ ही जो है बैक साइड पे जो है यहाँ पे साइट है मॉस्क की यहाँ मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर। मैं बास्केटबॉल कोर्ट में मौजूद हूँ और आप मेरी बैक साइड पे इसी तरह के मस्जिद कोर्ट के रिलेटेड और पार्क देख सकते हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। उसके अलावा मेरी बैक साइड पे जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये जिम है, टोटली फुल फैट जिम है। यहाँ पे आप आके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फुटबॉल कोर्ट है जिसमें आप फुटबॉल खेल सकते हैं, इसके अलावा बच्चे यहाँ पे फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और उसकी लेफ्ट साइड पे आपका टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं। ये कुछ फीचर्स अभी तक इन्होंने सोसाइटी में ऑन ग्राउंड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक ई स्पोर्ट्स ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस करवाया है जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी यंग हमारी जो यूथ है जो कि ई स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होती हैं, पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं। उनके यहाँ पे इवेंट भी होंगे बाकायदा। और उसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो बहुत ही हॉट प्रोडक्ट बना हुआ है आज की डेट में। उसकी वजह यह है कि इनके मेन बॉलीवुड पे इनके 8 माह लगे कमर्शियल हैं और इसके अलावा इनके अपने सेक्टर्स के अंदर 4 माह लगे कमर्शियल हैं जो बहुत ही इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। मैं नोवा सिटी की बैक साइड पे मौजूद हूँ और इसकी बैक साइड पे आप मेरे बैक पे अगर आप जूम करके दिखाएं वो सामने आपको एक टावर नज़र आ रहा है। वो टावर के साथ बैक साइड पे आपको जो फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है वो बेसिकली रूफ है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो उसकी बिल्डिंग है, वहाँ पे आपका एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिल्कुल नोवा सिटी की बैक साइड पे आता है। इतना ही जितना हमसे कोशिश हो सकती थी हमने नोवा सिटी की कवरेज आपको करके दी है, सारा आपने व्यू आपको बताया। अभी हम मौजूद भी हैं एंड पे, साथ एयरपोर्ट भी आपको हमने जूम करके सारा बताया कि बैक साइड पे इसके जो है इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हमें दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।